कोनो पढ़वैया लईका पढ़वई लईकी बा केहू के सरकारी नौकरी मिलल बा। अरे मोदी जी कहले रहलन एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, एक साल में 2 करोड़ नौकरी मिली, कहाँ बा नौकरिया। यूं ही सज दज के हमें सुनने आया करो, पर बिजलियां ना हमारे दिलों पर गिराया करो। बात मानो नजर लग जाएगी आपको, हर किसी से नजरें न मिलाया करो। सभी शोभायमान वरिष्ठ आदरणीय नेतागण यहाँ दूर दराज से विराजे सभी समस्त सम्मानित गण, समाजवादी पार्टी के जुझारू सम्मानित, हर वर्ग सर्वधर्म के सभी सम्मानित गण, समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथियों, देवी और सज्जनों, आप सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक क्रिएटर, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व महापौर प्रत्याशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ सभी का कि इतनी कड़ी धूप में जिस गर्म जोशी के साथ आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। साथियों, मैं लगातार यहाँ घोसी विधानसभा जनपद मऊ में लगातार भ्रमण कर रही हूँ 5-6 दिन से। मैं धवरिया ताल से सात से शुरू करके फतेहपुर गई, पूना पार गई, पकड़ी बुजुर्ग गई हूँ, पकड़ी बुजुर्ग के उत्तर टोला में गई हूँ, पच्छू टोला में गई हूँ, बीबीपुर गई हूँ, बड़ा गांव गई हूँ, सोहण गई हूँ, धरोली गई हूँ, हर जगह मैं गई हूँ। और हर जगह मैंने एक ही प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि कोनो पढ़वैया लईका पढ़वई लईकी बा केहू के सरकारी नौकरी मिलल बा। एक हाथ नहीं उठा था, मैं छोटे छोटे जो मैंने सभाएं की थी, नुक्कड़ सभाएं की थी, एक हाथ नहीं उठा था केहू के सरकारी नौकरी ना मिलल बा भैया। आ मोदी जी का कहले रहलन, अरे मोदी जी कहले रहलन एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, एक साल में 2 करोड़ नौकरी मिली, कहाँ बा नौकरिया। मोदी जी कहले रहलन 15 लाख है केकर खातिर में आयल बा भैया, तनी हाथ उठावल जा। अरे दादा केहू खातिर में आयल बा का, देखो कितना बड़ा मजाक करते हैं। कहले रहलन 100 स्मार्ट सिटी बनी, किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 से पहले सबको पक्का मकान मिलेगा। अब 35 रुपए में पेट्रोल डीजल भैया, बाबा रामदेव बाबा रामदेव दे रहे थे 35 रुपए में पेट्रोल डीजल, कितना हो गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, महंगाई हो गए, बेरोजगारी हो गए, भुखमरी फैल गई। और जो गैस का बाटला लेकर घूम रही थी सड़क पर, योगा दिवस पर एक दिन योगा करने वाली हमारी मैडम गैस का बाटला लेकर घूमने वाली कहाँ है। हर जगह इतनी महंगाई हो गई, ज्यादा समय ना आए ले, एक कविता के माध्यम से आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि ये उपचुनाव है और भारी से भारी मात्रा में हमारे आदरणीय सुधाकर सिंह जी को विजय भव बनाइएगा 5 तारीख को, साइकिल वाला बटन दबाकर, क्योंकि बाहरी को भगाना है, अपने बेटे को जिताना है। और ये भारतीय जनता पार्टी से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ये बहन किसी से डरती नहीं है। और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम डरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की 2 डंडियों से, हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से, हम समाजवादी है, हम डरते नहीं है तुम्हारी एक तानाशाही की 2 तलवारों से, हम झुकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। नफरत फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है, अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिस देश का तुम अन्न खाते हो। तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, नया नया कानून लाकर कोना कोना जलाया है। तुम याद करो मनमानी से तुमने लहू कितना बहाया है, बुलडोजर चलवाकर घर घर जलाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का तुरंत
चीर तुमने निचवाया है रे नराधमो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों कान खोल कर सुन लो, घोसी में कभी की कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सुंदर सुंदर चेहरे आए, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि यूं ही सज धज के हमें सुनने आया करो, पर बिजलियां ना हमारे दिलों पर गिराया करो। बात मानो नजर लग जाएगी आपको, हर किसी से नजरें न मिलाया करो। और बेहूदी में बेखुशी में नजर मिल भी जाए तो घर जाकर नींबू मिर्ची से अपनी नजर उतारा करो। और क्या बताए काजल आपको कि चेहरे पर एक काजल का तिल लगाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जीतेगा इंडिया, आई लव माई इंडिया। धन्यवाद।